अस्सलाम वालेकुम क्लास थर्ड आज हमारा टॉपिक है स्किप काउंटिंग। स्किप मीन होता है छोड़ देना, ठीक है। यानी जैसे हम काउंटिंग फर्स्ट, सपोज हम काउंटिंग 101 पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ 101, 102, 103, 104, 105। तो अब ये मैं ये सीक्वेंस से पढ़ती जा रही हूँ, यानी ये पूरी इसी तरह 1 के बाद 2, फिर 3, फिर 4, 5 ये चल रही है, ये सीक्वेंस में चल रही है, सही है। लेकिन स्किप क्या होगी? आपको अगर कहा जाए स्किप काउंटिंग इन टोस, क्या होगा स्किप काउंटिंग इन टोस? यानी इसका मतलब ये हुआ, आप क्या होता देखिए, स्किप काउंटिंग इन टोस, इन टोस, टोस का मतलब होता है, टोस का मतलब होता है टू, ठीक है। यानी ये 101 है ना, अगर मैं इसमें 2 प्लस कर दूं तो क्या आएगा, 103, ठीक है। अब 103 में 2 प्लस कर दूं तो क्या आएगा, 105, और 105 में 2 प्लस कर दूं तो क्या आएगा, 107, सही है। यानी स्किप काउंटिंग इन टोस। अब सपोज आपको पहला नंबर दिया हुआ है 101, ठीक है। अब टोस में कैसे चलेंगे, अब 102 नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे 103, फिर 4 नहीं लिखेंगे, 105। क्यों 105? अभी मैंने टोस में अब प्लस करना बताया था ना आपको। फिर 105 में अगर 2 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 107। इसी तरह 107 में 2 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 109। इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे आप। तो इसे कहेंगे स्किप काउंटिंग इन टोस। लेकिन अगर आपके पास स्किप काउंटिंग इन फोर्स हो, इन फोर्स, अब क्या होगा? और सपोज अब नंबर आपके पास है 3256, सही है, और मैं कह रही हूं काउंट इन फोर, ठीक है, काउंट इन फोर्स, सही। अच्छा तो आप देखिए, अब इसमें अगर आप 4 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 6 और 4 10 0 कैरी 1 5 और 1 6, प्लस करना तो आता है ना, 6 और 4 कितने हो जाएंगे, 10। तो 10 कैसे लिखते हैं, यूं लिखते हैं 10, तो ये वंस, वंस के नीचे आ जाएगा, और ये 1, ये जो 10 वाला 1 है, देखिए ये 1 है और ये 10 है, तो 10 वाला 1 जो है वो कैरी चल जाएगा, पता है ना आपको ये बात, ठीक है। अब ये 5 में 1 प्लस करेंगे, 6 हो गया, 2 और 3 ऐसे आ गया। यानी इसका मतलब ये हुआ, हमारे पास अगर 3256 है तो इसके बाद वाला नंबर जो होगा, क्योंकि हम काउंट इन फोर्स कह रहे हैं, तो इसके बाद वाला नंबर होगा 3260। फिर इसमें 4 प्लस कर दीजिए, देखिए 0 में जब 4 प्लस करेंगे हमें मालूम है 4 ही आएगा, और 6 और 2 और 3, अब फिर 4 प्लस कर दें तो क्या आ जाएगा आपके पास, 8, ठीक है, 6, 2 और 3। यानी इसका मतलब ये हुआ, मैंने करना बताया आपको, सही है, ये मैंने आपको करना बताया। लेकिन अगर कोई आपसे कह रहा है एक नंबर आपको दे दिया, देखिए मैं इसे यूं करके करके हाथ रख के कर रही हूँ ताकि आपके जहन में भी रहे ना, अभी मिटा नहीं रहे। फर्स्ट करें आपको किसी ने ये नंबर दिया है 3256 और आपको कहा ये गया काउंट इन फोर्स, तो यानी अब इसके बाद अगर आपको ब्लैंक दी गई है तो आप काउंटिंग फोर्स पे, तो 3256, तो अब नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 3260, क्यों 4 प्लस करेंगे तो 60 आएगा, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट फर्स्ट कीजिए, आपको दिया हुआ है 3264, आपको दिया हुआ है, अब फिर उसके बाद ब्लैंक दे दिए, अब क्या लिखेंगे बताइए। तो 3264 में आप फिर 4 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3268 आ जाएगा, है ना, और इसी तरह 1600। तो अब बात समझ में आई, स्किप काउंटिंग का मतलब ये होता है कि अगर आपको ये कहा जा रहा है काउंटिंग टू टोस, तो फिर 2 2 प्लस करके आगे का नंबर बढ़ेगा, काउंटिंग थ्रीज
कर लेते हैं 2010 और एक और नंबर है आपके पास 2013, सही है। अब आपको आगे ये ब्लैंक दी हुई है कि इसमें आपने थ्रीज में काउंट करके नंबर लिखे हैं, सही है? अब बताइए काउंट इन थ्रीज। 2010 इसमें थ्री प्लस किया आपने, ये अब ये रफ वर्क है लेकिन लाजमी है मुझे तो आपको बोर्ड पे ही करके दिखाना है ना। थ्री प्लस किया तो देखिए क्या आ गया, थ्री वन जीरो टू, देखिए आ गया ना ये वाला नंबर। अब इसमें थ्री प्लस करेंगे क्या आ जाएगा, अब बताइए जल्दी से। 2016 भाई थ्री प्लस करेंगे, ये देखिए आ गया। अब आपने इस तरह नहीं करना है, ये आपने नहीं लिखना, ये मैं आपको समझाने के लिए रफ वर्क बता रही हूं कि आप रफ कॉपी में किस तरह इसको करेंगे। तो ये काउंट इन थ्रीज कहलाएगा 2016, उसके बाद क्या आएगा फिर थ्री प्लस कर दें 2019, अब फिर 2019 आ गया। अब 2019 के अंदर आप फिर थ्री प्लस कर दें क्या आएगा, 9 और 3 12 12 आएगा ना, 12 में ये वंस हैं, पता है ना ये वंस हैं और ये क्या है टेंस हैं, तो वंस वंस के नीचे आएंगे यानी कि 2 आ गया। अब 10 तो यहां भी हमने सॉल्व नहीं किया ना, तो ये कैरी चला जाएगा, सही है। तो अब 1 1 2 और 0 और फिर ये 2, तो यानी 2000 क्या आ जाएगा 22, ठीक है। अब 2022 में फिर थ्री प्लस कर दीजिए तो ये काउंट इन थ्रीज कहलाएगा 2022। अब इसमें फिर थ्री प्लस कर दीजिए और देखिए वंस में प्लस करते हैं हमेशा, ठीक है 5 2 0 2 क्या नंबर आ गया 2025 आया करना। इस तरह आपको आपकी बुक में पेज नंबर 22, पेज नंबर 23 पे और पेज नंबर 22 और पेज नंबर 23 पे स्किप काउंटिंग आपको दे रखी है, टोस वाली दी हुई है, थ्रीज वाली दी हुई है, फोर्स वाली दी हुई है और स्किप काउंट इन फाइव्स स्टार्ट विद द फर्स्ट नंबर। देखिए ये एक एग्जाम्पल उन्होंने ऊपर बताई हुई है ना, यानी 3105 से आपने 3130 तक का बनाना है। तो अब ये एक बना के उन्होंने दिखाया है, यानी अब इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास 2440। अब 2440 में आप क्या प्लस करेंगे 5, तो क्या बनेगा 2440, 2445, फिर उसमें प्लस 5 प्लस करेंगे और इस तरह करके जब 2465 आएगा वहां स्टॉप कर देंगे, सही है। इस तरह ये पेज नंबर 23 पे आप पूरा करेंगे।